भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा द्वारा सुभाष चौक में भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन झारखंड विधानसभा के अंदर हुए तिरंगा के अपमान के खिलाफ किया गया। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल एवं पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि झारखंड सरकार में निरंतर गिरती विधि व्यवस्था चिंता का कारण है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से जनहित के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है। मंडल ने कहा कि झारखंड सरकार पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है। निरंतर महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार झारखंड में बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी। झारखंड के जनता के अहित में झारखंड में जो भी काम होगा भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। मौके पर पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा ने कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था फेल हो चुकी है। यह सरकार जनता पर बोझ बन चुकी है। जितना जल्दी यह सरकार झारखंड से जाए उतना जल्दी जनता का कल्याण होगा। झारखंड सरकार के वर्तमान स्थिति से झारखंड की जनता त्रस्त एवं आक्रोश में है। भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने विधानसभा के अंदर तिरंगा के अपमान पर कहा कि यह देश तिरंगा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। जो सरकार तिरंगे को सम्मान नहीं दे सकता है झारखंड की जनता का क्या ही चिंता करेगी। झारखंड सरकार ने इन नीतियों के खिलाफ आज पुतला दहन किया और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, झारखंड सरकार महिलाओं के साथ जो है हत्या बलात्कार, मतलब किसी आरोपी को पकड़ नहीं पा रही है। आज विधानसभा में जो है भारत का तिरंगा उसका अपमान करने का काम किया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो तिरंगा का अपमान किया है उसको कभी हिंदुस्तान के लोग सह नहीं सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से जिला में झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन जी का हम लोग पुतला दहन करने का कार्यक्रम किए हैं और आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। जो तिरंगा का अपमान करता है, जो तिरंगा का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को झारखंड का सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं बनता। और सप्ताह भर पहले बहन अंकिता के साथ जो घटना घटी उस पर न्याय नहीं मिला, उसकी कुत्ती सुलझी भी नहीं। तब तक आज इसके पिछले दिनों जामा स्थित जो है आपका पिग्घी के बगल में बीबी थाना के क्षेत्र में एक किशोरी के साथ जो है अरमान नामक जो है तो मन चले ने जो है वही हाल किया। प्यार का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता है, दुष्कर्म करके जो है शादी की बात करते हैं तो उसको जो है तो रास्ते से हटाने के लिए उसको जो है तो उसके साथ उसको मार करके जो है फंदे पर लटका दिया। तो निश्चित रूप से यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ही समुदाय के लोगों के माध्यम से इस प्रकार जो आदिवासी, दलित, हिंदू समाज के बहु बेटियों के पास, बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप किसी एक समुदाय का वोट लेकर नहीं गए। ये तुष्टिकरण की राजनीति बंद करिए और हम लोग आग्रह करेंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जहाँ इस प्रकार से घटनाएं बरहेट से लेकर दुमका तक जो ऐसा दुष्कर्म हो रहा है, आप कहते हैं हम आदिवासी का हित कर हैं, हम आदिवासी दलित के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो सिर्फ जो है आदिवासी बहन बेटियों के साथ ही और जो है तो यहाँ के आमजनों के साथ इस प्रकार की घटनाएँ घट रही है। अगर यह घटना पर आप रोक नहीं लगा सकते तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री के पद पर रहने की कोई औचित्य नहीं है, नहीं रहना चाहिए।